रसोई की रानी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका स्वाद और सेहत से भरपूर इस शो में जिसका नाम है रसोई की रानी, राजा वर्सेस रानी। वैसे राकेश जी, बात राजा बनने की हो या रानी बनने की, आसान काम नहीं है। बिल्कुल, खुद को यहाँ साबित करना पड़ता है और यहाँ तो ये बात साबित हो ही नहीं सकती है कि लड़का या लड़की के बीच में युद्ध कभी खत्म होना ही नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे पिछले दो हफ्तों से लड़का और लड़की कैसे आपस में लड़ते आ रहे हैं। खत्म? राकेश जी, शुरू ही होता है इतनी मुश्किल से, क्योंकि दोनों की एज सेम होती है, दोनों इतने सुंदर हैं। क्यों? वैसे आप नीता जी, आप क्या कहेंगी इसके बारे में? वो तो है, क्योंकि जब सेम एज के होते हैं तो कॉम्पिटिशन जरा ज्यादा बढ़ जाता है और सबको एक के ऊपर एक होना होता है, तो आई थिंक आप कभी नहीं बन सकते। मैं तो सिर्फ फिल्मी रेफरेंस देता हूँ और उसमें कहा जाता है कि एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं होते। भाई, आप दोनों की जो बातें हैं थोड़ी सी खट्टी थोड़ी सी मीठी, बिल्कुल संतरे और लीची की तरह। जी हाँ, क्योंकि मैं जो बनाने जा रहा हूँ उसका भी नाम यही है डिश का, लीची एंड ऑरेंज सैलेड। वाओ, इंटरेस्टिंग। और आप दोनों को ये रेसिपी बड़े ध्यान से देखनी है, क्योंकि आप दोनों को इसके संबंधित दो दो सवाल पूछे जाएंगे और हर सही जवाब के लिए आपको मिलेंगे 5 अंक। तो शुरू करते हैं अपना ये राउंड जिसका नाम है शेफ की रसोई से। आप तो जानते हैं कि लीची आजकल सीजन में है, और अगर सीजन में ना भी हो तो टिन में जो लीची मिलती है, कैन लीची, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास कुछ कलरफुल फ्रूट्स और भी हैं, जैसे कि संतरा है, मेलन है, तो इनका इस्तेमाल करते हुए एक बढ़िया सा कलरफुल सैलड बनाता हूँ मैं आपके लिए, ठीक है? Yes. तो सबसे पहले क्या करना है, इस बड़े से बोल में मैं कुछ चीजें इकट्ठी कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं लूंगा ये संतरा, और इसकी जो सेगमेंट्स हैं, ये जो नेचुरल सेगमेंट्स हैं, इसके बीचों बीच काट के हम ये सेगमेंट्स ले लेंगे। ये है इस तरह, तो ये मैं सेगमेंट निकाल लेता हूँ और ये सभी सेगमेंट्स निकल गई। तो ये सेगमेंट निकालने के बाद जो संतरा बचा है इसको भी हम निचोड़ दें। तो ये सेगमेंट्स हमने एक संतरे की काट ली, अगर जरूरत पड़ी तो हम और भी काटेंगे सजाने के लिए, फिलहाल इतनी काफी है। अब लेते हैं ये लीची, ये हमारे पास ताजा लीची है, हमने इसके बीज निकाल ली है छीलने के बाद, तो ये भी थोड़ी सी इसमें डाल लेते हैं। अब देखिए कैसे कुदरत के जो रंग हैं, सफेद, संतरी, ये तमाम रंग हम इस्तेमाल करेंगे इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो ये लीची हमने और दो चाहिए होंगी। अब क्या करना है, इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ अदरक, तो हमने अदरक के जूलियंस काटे हुए हैं और इन जूलियंस को हम और छोटा छोटा चॉप कर लेंगे। तो इन जूलियंस को हम बिल्कुल छोटा चॉप कर लेंगे इस तरह से, बिल्कुल बारीक काटते हुए इसमें मिला लेंगे। तो ये हो गया अदरक इसके अंदर। अब इसमें हमने क्या डालना है, इसमें हमारे पास ये कुछ मेलन है, तरबूज, इसके हमने ऊपर से इस तरह से गोल बॉल निकाले हुए हैं, ये थोड़े से, देखिए रंग देखिए कितना बढ़िया आ रहा है, आई थिंक लाल रंग की कमी। हाँ, अभी और भी रंग इसमें डाल सकते हैं, तो अपनी कल्पना के हिसाब से इसमें रंग डाले जा सकते हैं। अब इसको डालने के बाद इसमें सेब डालना है, सेब हम आखिर में डालते हैं क्योंकि सेब अगर काट देंगे पहले ही तो ये काला पड़ सकता है, ये ध्यान में रहे। और ये मेरी आज की टिप ऑफ द डे भी है, जब भी आप सेब काटते हैं तो उसको काटने के बाद अगर उस पर आप नींबू का रस लगा देंगे तो ऐसा करने से सेब काला नहीं पड़ेगा। तो हम इसकी एक सेगमेंट निकाल लेते हैं साइड से, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, और उसके बाद हम इसकी लंबी लंबी इस तरह से सेगमेंट्स निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसको छोटा भी काट सकते हैं, यानी कि बीच में से आधा भी किया जा सकता है इसको इस तरह से, या इसको लंबा भी रख सकते हैं। तो ये भी हम डाल लेंगे इसके अंदर, और इसके ऊपर अब नींबू का रस डालेंगे ताकि ये काला ना पड़े। तो ये मैंने नींबू का रस निकाल के रखा हुआ है, आइए इस पर डाल देते हैं। ये हमारे पास कुछ सलाद के पत्ते हैं, अगर आपके शहर में सलाद के पत्ते ना मिले तो आप जो बंद गोभी होती है उसके पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
और इन्हें ध्यान ये रखना है कि हमने हाथ से तोड़ना है, चाकू से नहीं काटना है। कहते हैं कि चाकू से काटने के बाद जो पत्ते हैं ये काले पड़ जाते हैं, तो इन्हें हाथों से छोटा छोटा तोड़ के हम इसमें डाल दें। ये हो गया सलाद पत्ता। ये जो वैरायटी है लेट्यूस की, इसका नाम है आइसबर्ग लेट्यूस। आइसबर्ग? जी हाँ, ऐसे कई प्रकार के सलाद पत्ते मिलते हैं जिनमें से आइसबर्ग एक ऐसा है जिसमें काफी पानी की मात्रा होती है। okay. तो ये बड़ा बढ़िया होता है और ये मीठा है। कई सलाद के पत्ते कड़वे भी होते हैं। okay. अभी इसमें तकरीबन सब चीजें डल गई हैं, अब बारी आती है सीजनिंग की। सीजनिंग में हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे तीखा, नमकीन और मीठा। तो मीठे में सबसे पहले हम डालेंगे थोड़ी सी सिरप। ये जो लीची के अगर आप टिन लेते हैं तो टिन में जो सिरप होती है वो भी डाल सकते हैं। मैं डाल रहा हूँ चाशनी। तो ये थोड़ी सी शुगर की सिरप। अब नमक डालेंगे इसमें। नमक की मात्रा आप निर्भर करता है कितना पसंद करते हैं उसके ऊपर। और हाँ, थोड़ी सी हम डालेंगे कुटी हुई काली मिर्च। इसके रंग देखिए कितने अच्छे आ रहे हैं। इसको कहीं भी ले जाने की जरूरत नहीं है, इसी में ऐसे ही सर्व किया जा सकता है ये। लेकिन फिर भी हम इसे एक बार टॉस कर लेंगे। सारे रंग आपस में घुल मिल जाएंगे और अब इस प्लेट में हम इसको डाल देते हैं। ये चीजें हमने वो ली हैं जो हमारे देश की हैं, हमारे प्रदेश में मिलती हैं। चलिए, ये हमारा सैलेड जो है ये तैयार हो गया है। अब बारी आती है कि हम इस सैलेड के ऊपर थोड़ी सी काली मिर्च डाल दें साइडों में, ताकि ये जो प्लेट है ये देखने में और अच्छी लगे। और ये जो कुटी हुई काली मिर्च है ये हम सैलेड के ऊपर भी डालेंगे ऐसे, और सैलेड की प्लेट के साइड में भी ऐसे डाल सकते हैं। ओके, तो ये तैयार हो गया हमारा लीची एंड ऑरेंज सैलेड। वाओ। अब बारी आती है सवालों की। तो गीता जी, आपके लिए सवाल ये है कि संतरे से बनने वाली तीन चीजों के नाम बताइए। संतरे से बनने वाले कस्टर्ड, ऑरेंज कस्टर्ड, क्या ठीक है, आइसक्रीम, ऑरेंज आइसक्रीम बिल्कुल सही, ऑरेंज जूस। वाह, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही। आपको मिलते हैं 5 अंक। विजय, आपसे पूछेंगे ये सवाल कि बिहार के किस शहर में लीची सबसे ज्यादा फेमस है? होशंगाबाद। नहीं विजय साहब, ये आंसर गलत है। सही जवाब है मुजफ्फरपुर। तो चलिए फिर से नीता जी से सवाल पूछते हैं। नीता जी, आप ये बताइए कि इसमें से कौन से इंग्रेडिएंट्स मैंने डाले थे जो मैंने बारीक बारीक चॉप करके डाला था? जिंजर। जिंजर बिल्कुल सही जवाब आपका, वेरी नाइस। और इसके लिए भी आपको मिलते हैं 5 अंक। मैंने काफी आसान सा सवाल पूछ लिया नीता जी से, तो अब आपसे भी हम बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछते हैं। आपका सवाल यह है कि मैंने जब ये सैलेड बनाया था तो इसमें मैंने एक ऐसी चीज डाली थी कि जो आखिर में डालनी चाहिए वो काली पड़ जाती है, तो काली पड़ने से बचाने के लिए मैंने इसमें क्या इस्तेमाल किया? सर, आपने कहा था कि सेब काला पड़ जाता है और उसको कालेपन से बचाने के लिए उस पर नींबू का रस लगाना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब है और आपको भी मिलते हैं 5 अंक। इस राउंड में विजय जी का स्कोर है 5 और नीता जी का स्कोर है 10। ये नीता जी, आप तो आगे बढ़ गई हैं इस राउंड में, तो तैयार रहिए आप भी। चलिए अब बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की ओर, लेकिन ब्रेक के तुरंत बाद रसोई की राजा और रानी की हम लेंगे दम की परीक्षा। तो चलते हैं और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रुचा, तुम खुद को समझती क्या हो? आप अभी तक पहचान नहीं पाए मुझे? नहीं, मैं अपने आप को हीरोइन समझती हूँ। I'm the best। नहीं नहीं, मैं ये इसलिए पूछा था कि अगर तुम खुद की तारीफ करना चाहो तो किस तरह से करोगे? वो क्या है ना, मैं खुद की तारीफ नहीं करती, मेरी तारीफ सिर्फ लड़के करते हैं।